हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे PHP के वीडियो ट्यूटोरियल में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लूप क्या होती है, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि व्हाइल लूप क्या होता है और PHP में हम उसे किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में कि डू व्हाइल लूप क्या होता है और व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए एक क्विक रिकैप के लिए मैं बता दूं, व्हाइल लूप जब हम यूज़ कर रहे थे तो ये मैंने कुछ कोड्स लिखे थे जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिल रहा था। सिंपल मैंने व्हाइल लूप यूज़ किया था। और व्हाइल लूप क्या करता है या लूप क्या करता है, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है जब तक कि उसका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब कंडीशन अनसेटिस्फाई होगा तब वो लूप से बाहर आएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो ये तो हो गई लूप और वाइल लूप की बात। चलिए पहले मैं डू वाइल लूप का एक डेफिनेशन आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताऊँगा। डू वाइल लूप, द डू वाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड देन रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। अब इसका मतलब क्या है? जब हमने वाइल लूप देखा था तो जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा था। बट डू वाइल लूप के साथ ऐसा नहीं है। डू वाइल लूप में एक ना एक बार कंडीशन या जो हम आउटपुट लाएंगे वो एक बार प्रिंट होगा, उसके बाद वो चेक करेगा कंडीशन, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो दोबारा वो कोड पे आएगा, वरना वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप से वो बाहर चला जाएगा। बट वंस इन अ वाइल वो एक बार तो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है वाइल और डू वाइल लूप के बीच। लास्ट वीडियो में जब हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया था तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा था। हमारे पास नंबर 1 to 10 प्रिंट होके आ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने इसका लॉजिक अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर अब मैं कंडीशन को जानबूझ के गलत करूँ, मैंने कंडीशन रॉन्ग कर दिया, अब देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट आ रहा है। सी, मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है बिकॉज मेरा लूप चला ही नहीं, कुछ भी प्रिंट हुआ ही नहीं। अभी ये देखा आपने कि अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स है तो मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, बट अगर कंडीशन ट्रू होगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा। सी, मुझे आउटपुट आ रहा है। तो ये तो हो गया व्हाइल लूप। इसी को मैं कॉपी करता हूं और डू वाइल लूप में कन्वर्ट करता हूं। फिलहाल के लिए इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब डू वाइल लूप लिखने के लिए सबसे पहले यहां से मुझे वाइल हटाना है और इसे यहां डालना है, और सबसे पहले आएगा डू। अब देखते हैं इस कोड का मुझे आउटपुट क्या आ रहा। सिंपली मुझे 1 to 10 आ रहा। इसे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कोड मेरा एग्जीक्यूट हुआ है। मैं इसे कर देता हूँ 11 तक, तो सी मुझे 11 भी यहाँ प्रिंट होता हुआ दिखेगा। सी, मुझे 1 से लेके 11 तक मिल रहा है। अगर मैं इसे 15 कर दूँ लिमिट, तो मुझे 1 to 15 प्रिंट होता हुआ दिखेगा। सी, तो ये तो हो गई कि सिंपली ये तो वही कर रहा है। डू वाइल लूप का मीनिंग क्या हुआ? काम को करो तब तक जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होता जा रहा है। इसका मैं फ्लो बताता हूँ आपको, जिस तरह मैंने वाइल लूप का फ्लो आपको लास्ट वीडियो में बताया था। डू मतलब करो, एक स्पेस प्रिंट करो, उसके बाद जो नंबर है उसे प्रिंट करो, और फिर नंबर को इंक्रीमेंट करो। अब नंबर जब इंक्रीमेंट हो गया तब कंडीशन चेक करो। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये काम दोबारा करो, तब तक करते रहो जब तक कंडीशन अनसेटिस्फाई नहीं होता। तो ये तो व्हाइल लूप में भी हो रहा था कि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक मुझे रिजल्ट आ रही थी। बट अब एक बड़ा क्वेश्चन, अगर मैं इस कोड को रॉन्ग कर दूं जैसे मैंने व्हाइल लूप के केस में किया था, अब हमें ये देखना है कि क्या आउटपुट आ रहा है। सी, मुझे 1 मिल रहा है
आपको यहां पर ध्यान देना है और अच्छे से समझना है इस बात को पर्टिकुलर कि अगर टू वाई लूप में कंडीशन अनसेटिस्फाई होता है तो भी लूप एक बार जरूर चलेगा और एक बार मुझे वैल्यू जरूर मिलेगी। बट वाई लूप के केस में अगर कंडीशन अनसेटिस्फाई होता है तो मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है वाइल और डू वाइल लूप के। आपको ये हमेशा याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही लूप यूज करना है कि कहाँ पर आपका डू वाइल लूप सूटेबल है, कहाँ पर वाइल लूप सूटेबल है। एक क्विक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन हो, ओके, कि जैसे सपोज एटीएम कार्ड, एटीएम से आप पैसे निकालने के, अगर आपका पिन रॉन्ग है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। तो वहाँ वो एक वाइल लूप सिचुएशन हो गया कि जब तक आपने पिन का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर डू वाइल लूप के केस में देखा जाए तो इसे मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि आप ये समझ लो कि कोई आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो जहाँ आप चाहते हो कि अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं भी हो बट एक बार मुझे कुछ रिजल्ट आना चाहिए, ओके। सपोज क्लास में एक बंदा आया, ठीक है, क्लास की कैपेसिटी 100 बंदे की है, मैं चाहता हूँ उसमें से सिर्फ एक बंदा बाहर निकले, या ये भी सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं होगा। बस आप ये समझ के रखो कि डू वाइल लूप हम उसी जगह यूज करेंगे जहाँ हम ये चाहते हैं कि अगर मेरा कंडीशन अनसेटिस्फाई भी हो तो भी मुझे एक ना एक बार रिजल्ट आना चाहिए। सो होप आपको वाइल और डू वाइल लूप एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि कब हमें वाइल लूप और कब हमें डू वाइल लूप का यूज करना चाहिए अपने प्रोग्राम में। सो होप आप ये चीज़ें समझ रहे हो और इसे प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस में जब हम प्रोजेक्ट करने लगे तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ताकि मैं जो वहाँ करूँगा आपको अच्छी तरह से समझ में आए।